हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ तो आज हम फार्मास फार्मास्यूटिकल सेक्टर से एक कंपनी लेके आए हैं जिसके बारे में हम आज एनालिसिस करेंगे कि कंपनी आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेंशन करना चाह रही है और उसको देखते हुए कंपनी का शेयर यहां से आगे तीन से चार क्वार्टर में आगे कहाँ तक जा सकता है तो उसके टारगेट के बारे में हम आज बात करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें जिससे कि आगे आने वाले टाइम में मुझे बेहतरीन वीडियो बनाने का मौका मिले तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो फ्रेंड्स चलिए तो कंपनी का नाम है मार्कसंस फार्मा लिमिटेड मार्कसंस फार्मा लिमिटेड कंपनी है जिसके बारे में हम आज एनालिस करेंगे इनके फंडामेंटली एंड एन टेक्निकली एनालिस आज हम करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स इनके प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं मार्क्संस फार्मा मार्क्संस फार्मा फॉर्मुलेशन बिजनेस में है आरएनडी भी कंपनी अच्छा करती है और क्रेम्स बिजनेस में भी है कांटेक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी मार्क्संस फार्मा प्रोवाइड कराती है तो बेहतरीन आगे फोकस इनका है कंपनी का आगे अपनी कंपनी को ले जाने के लिए तो मार्क्संस फार्मा आप देख सकते हैं U.S. Food फूड एंड ड्रग्स Administration, एडमिनिस्ट्रेशन FDA एफ डी ए से इनके पास में अप्रूवल है टीचीए से अप्रूवल है यू के जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी है उनसे भी अप्रूवल इनके पास में है डब्ल्यू एच ए से भी इनके पास सर्टिफिकेट मौजूद है टैबलेट्स बनाते हैं प्ले, प्लेन प्लेन जेनरिक कोटेड एंड फिल्म कोटेड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल भी बनाते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल भी बनाते हैं सॉलिड ओरल डोजेज इन दम ऑफ तो Pharma, और हम देखते हैं इनकी सब्सिडरी रेलोन कैम टाइम कैप लैब्स बेल्स हेल्थ केयर और नोवा इनकी ये सब्सिडरीज हैं मार्क्सन फार्मा की तो फ्रेंड्स ये इन्होंने का जो क्रेम्स का बिजनेस है वो आगे काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिख रहा है और चलिए थोड़ा डीपली हम इनके प्रोडक्ट्स के बारे में इनका आगे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान के बारे में बात करते हैं मार्क्सन फार्मा हम देख सकते हैं Mark Sons Pharma, Managing Director and CEO. Mark Saldana. I am pleased to share that we delivered another outstanding quarter led by all round growth. We maintained our momentum with a 24.6 revenue growth and operational improvement with a record EBITDA of the 91.1 crore. So, yeah, again, cautious. Hai. और पॉजिटिव भी हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स में धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है और काफ़ी आगे इनके लिए फायदा हो रहा है कंपनी को फार्मास्यूटिकल सेक्टर से तो फ्रेंड्स देखिए आप ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू देखिए 24.6 परसेंट का रेवेन्यू इनका जंप हुआ है एवरता 92 परसेंट का जंप हुआ है प्रॉफिट 100 परसेंट प्रॉफिट इनका जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर और दिसंबर में आप कैश देखिए इनके पास 195 करोड़ का इनके पास में कैश है तो कंपनी के पास एक बेहतर कैश है जिससे ये आगे कुछ भी अपना एक्सपेंशन प्लान करना चाह रहे हैं उसमें इन्हें लोन नहीं लेना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड मार्जिन बहुत ही बेहतरीन इन ग्रोथ इन्होंने दर्ज की है इस वाले क्वार्टर में आर आप देख सकते हैं ग्रेजुअली ग्रो कर रही है आर ओ भी ग्रेजुअली ग्रो कर रही है नेट डेप्ट देख सकते हैं इनका बहुत ही कम हो रहा है धीरे धीरे कंपनी का ओवरव्यू फार्मा यूके में भी इनकी फार्मा यूके लिमिटेड करके कंपनी है सब्सिडरी फार्मा यूएसए में भी है एंड नोवा नोवा जो है वो क्वालिटी जेनेटिक फार्मा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है और मार्क्संस फार्मा यूएसए में जो है टाइम कैप लैब्स मैन्युफैक्चर ऑफ रेंज ऑफ ओ एंड आर प्रोडक्ट्स फिफ्टी से ज्यादा प्रोडक्ट्स इनका पोर्टफोलियो है टाइम कैप लैब्स में एंड बेल्स हेल्थ केयर यू में इनकी दो सब्सिडरी हैं बेल्स हेल्थ केयर रेलॉन केएम वन सिक्सटी टू प्लस प्रोडक्ट्स हैं इनके पास में और बेल्स हेल्थ केयर में भी इनके पास में फोर फिफ्टी प्लस प्रोडक्ट्स हैं और 50 प्लस प्रोडक्ट इनके पाइपलाइन में है तो आप देख सकते हैं आगे ग्रोथ के लिए 50 प्लस प्रोडक्ट्स इनके पाइपलाइन में है यूके में तो इनकी अच्छी पकड़ है बाहर इंटरनेशनली uh, भी इनका यूके में यूएस में तो इनकी अच्छी पकड़ है फ्रेंड्स तो देख सकते हैं आप बिजनेस ओवरव्यू पेन मैनेजमेंट से इनका 350 करोड़ एंटी डायबेटिक से 209 करोड़ ये इनके मेजर रेवेन्यू जनरेट करने वाले प्रोडक्ट्स हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम 164 रेवेन्यू मिक्स आप देख सकते हैं 95 फाइव परसेंट ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल प्रेजेंस इन नीश सॉफ्ट जेल सेजमेंट तो आप ज्योग्राफिक मिक्स आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से 10 यूरोप यूके से 42 43 इनका यूएस एंड नॉर्थ अमेरिका से प्रॉफिट जनरेट होता है तो इस हिसाब से मार्क्सेंस फार्मा ने अच्छी पकड़ बना रखी है इंटरनेशनली एंड नेशनली फोकस्ड बिजनेस मॉडल मार्क्सेंस फार्मा बिजनेस विद डायरेक्टेड एट द यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट तो क्रैम्स का बिजनेस इनका आगे बहुत अच्छा फोकस करेगा द कंपनी नाउ हैज़ अ ग्लोबल प्रेजेंस एज अ फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस The company invested in uh, state of the art R&D facility strengthening integration. R&D facility डी फैसिलिटी में भी ये अपना invest करना चाह रहे हैं wider project basket, product इनके पास में काफी है और नए नए products ये लेके आते रहते हैं अपने segment से related धीरे 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 जिस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है उन प्रोडक्ट्स को ये लेके आते रहते हैं आर एन डी गोवा में है साउथ पोर्ट में एंड यूएसए में भी सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनका ऑस्ट्रेलिया यूके यूरोप नॉर्थ अमेरिका कनाडा एंड रो एंड कंज्यूमर रिटेल चेन फार्मेसी स्टोर्स हॉस्पिटल्स ये इनके कंज्यूमर्स यहाँ से इनके जो भी प्रोडक्ट है उनको प्रोवाइड उनको ले सकते हैं रिटेल चेन्स फार्मेसी स्टोर्स हॉस्पिटल से ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कराते हैं और अभी धीरे धीरे ये ऑनलाइन पोर्टल भी अपना क्रिएट कर रहे हैं जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आ रही है उसको लेके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स आप देखिए लॉन्ग टर्म की जो स्ट्रेटेजी है इनकी एक्सपेंशन इन रेगुलेटेड मार्केट, कंपनी एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड इन द रेगुलेटेड मार्केट थ्रू इंटीग्रेटेड development, डेवलपमेंट compliance, रेगुलेटरी compliance एंड utilization ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी

कैपेसिटी एक्सपेंड भी कर रहे हैं ये धीरे धीरे हाई केपेक्स रिक्वायरमेंट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट फर्दर रेस्ट्रिक्ट एंट्री तो बहुत ही अच्छे है ये के के बारे में भी आगे अपने सोच रहे हैं करने की बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी बाय मार्केट साइज हम देख सकते हैं यूके से 442 का टोटल रेवेन्यू है 42.3 परसेंट कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू में यूके यूके से इनका आता है

ये एक्सपेंशन जो यूके में जो कर रहे हैं रेवेन्यू एफआई25 आप देखिए एफआई25 का रेवेन्यू सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग ऑन प्रॉफिट मार्जिन फोकस्ड टुवर्ड्स यूरोप यूएसए एंड अदर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन वन ऑफ द की ओटीसी प्रोडक्ट सप्लायर एंड प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्री तो ये ग्रोथ दिखाना चाह रहे हैं कि हम धीरे-धीरे Other में भी अपने को एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप यूएसए में तो ये कर ही रहे हैं और धीरे 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 करेंगे तो इनका प्लान है कुछ और प्रोडक्ट के लाइसेंस लेने के लिए तो ये यूके की स्ट्रेटेजी है ओनली जस्ट यूके तो आप यूएस का देखें यूएस का आउटलुक

साउथ ईस्ट एशिया इनमें भी अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं और कंपनी का जो आउटलुक है इन प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड ऑपटेन प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन वन सेवन डेवलप प्रोडक्ट्स इन इमर्जिंग मार्केट तो 175 जो डेवलप प्रोडक्ट हैं इनके उनके ये रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं कर रहे हैं इमर्जिंग मार्केट में तो वहां से इनका 4.7 परसेंट का कंट्रीब्यूशन आता है टोटल रेवेन्यू में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड

2 बिलियन बोतल पर एनम 1 बिलियन टैबलेट पर एनम बिलियन सैचेट पर एनम यूके इंडिया में भी है यूके में भी है एंड यूएसए में 6 बिलियन टैबलेट एंड हार्ड कैप्सूल पर एनम हार्ट जेल टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स मेड इन द यूएसए प्रोडक्ट ऑफरिंग तो आगे इन कैपेसिटीज को भी ये इंक्रीज करते हुए दिखेंगे जैसे-जैसे मार्केट -जैसे में डिमांड आएगी आर एंड डी एंड प्रोडक्ट लॉन्चेस हाईलाइट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे-कैसे ये अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाना चाह रहे हैं 4 आर एंड डी सेंटर 50 प्लस साइंटिस्ट 50 प्लस प्रोडक्ट पाइपलाइन 350 प्लस डोजियर्स फाइलड 300 अप्रूव्ड ए एंड डी एंड एमए 25 प्लस इन्होंने फाइलड कर रखे हैं एनडी एंड एमए अपने प्रोडक्ट्स तो आगे इससे काफी फायदा मिलेगा प्लान टू एनहांस पोर्टफोलियो विद एडिशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट एवरी एवरी ईयर ईयर से ये लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आगे कंपनी का बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है फोकस अपना प्लान एक्सपेंशन को लेके ग्रोथ को लेके तो आप कंपनी में अच्छा आगे रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखेंगे स्ट्रेटेजी एक्सपेंशन प्रोडक्ट लॉन्च इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन वैकबार्ड इंटीग्रेशन एपीआई में भी अपना प्लान सोच रहे हैं एपीआई के कुछ प्रोडक्ट्स बनाने का एपीआई मैन्युफैक्चरिंग का तो फाइव ईयर के परफॉर्मेंस रिव्यू आप देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस रिव्यू है इनका बहुत ही सॉलिड इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है ग्लोबली ग्लोबली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई है मिस्टर मार्क ने और आप मैन्युफैक्चर इनके जो मैनेजमेंट है वो तो बाकी बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है इनका जो है इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं बाइडनिंग पोर्टफोलियो एंगेजिंग आरएनडी न्यू आरएनडी सेंटर इन्होंने अभी नवी मुंबई में ओपन किया है की मार्केट्स इनकी यूएस यूके एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज्यादा बेहतरीन इनकी मार्केट है इंटरनेशनली यूएस यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा आल्सो तो फ्रेंड्स इनकी आगे की एक्सपेंशन प्लान को देखते हुए आने वाले 25 तक 2025 तक जिस हिसाब का इनका एक्सपेंशन प्लान है उसको देखते हुए आप इनके प्रोडक्ट में इनके शेयर में आप पैसा लगा सकते हैं बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको ये कमा के दे सकता है चलिए थोड़ा सा टेक्निकली हम शेयर का चार्ट देखते हैं शेयर का चार्ट आप देखिए 2002 में शेयर ₹1.93 पैसे का लॉन्च हुआ वहां से शेयर काफी तेजी से ऊपर गया कुछ टाइम बाद थोड़ा सा शेयर नीचे भी आया देन उसके बाद में आप देखिए शेयर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ एफ से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है एंट्री पॉइंट अच्छा है आप ले सकते हैं शेयर को पीई e. रेशो e. है यहाँ 20 का पीई रेशो e. है तो आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छी भड़त है शेयर आपको डबल भी होता हुआ दिख सकता है जैसा मेरे को लगता है और आप देख सकते हैं शेयर का जो फाइनेंशियल अभी ट्रेंड चल रहा है टेक्निकली टेक्निकली शेयर की जो मूवमेंट है बहुत ही अच्छी है बुलिश आपको दिखेगा हर एक पैटर्न पे जिस तरीके से आगे डिमांड है और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आने वाले टाइम में पीएलआई स्कीम का भी फायदा होता हुआ देखिएगा एपीआई बिजनेस को तो फ्रेंड्स आप ये सोच सकते हैं और फेस वैल्यू आप देखिए वन है बुक वैल्यू सिक्सटीन है ई पी है और आप आगे ग्रोथ देखिए इनकी कि आगे आने वाले टाइम में आप रेवेन्यू प्रॉफिट आप देखिए धीरे धीरे सस्टेनेबल रेवेन्यू प्रॉफिट इनका इंक्रीज हो रहा है वो बेहतरीन है और रेवेन्यू के साथ साथ आप डिविडेंड देख सकते हैं एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड देती है बोनस कंपनी ने हालांकि नहीं दिया है लेकिन डिविडेंड एवरी ईयर देती है कंपनी आप आर देखें 19 की आर पे शेयर जनरेट करके दे रहा है 19 की आर बेहतरीन कंपनी मार्क्सन फार्मा इनके एक्सपेंशन को देखते हुए और इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी को देखते हुए आप इसमें पैसा लगा सकते हैं शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए तो आने वाले तीन से चार क्वार्टर में मुझे ये शेयर यहाँ से 80, 85 के रिटर्न दिखा सकता है शेयर का टारगेट प्राइस 80, 85 तक बड़े आराम से जा सकता है फ्रेंड्स तो आप जरूर फार्मा में पैसा लगा सकते हैं एक बार जरूर आप अपने तरीके से एनालिस करें उसको और फिर उसके बाद में अपना इन्वेस्ट करें थैंक यू